Hello students, today in our class we will read about computer. So let's see the basics what we are learning. The name of the lesson is Computer Basic, and under this computer basic what we will learn, introduction to computer means computer mein kya kya hota hai, uska jo first part kya hota hai, simple jo thing hoti computer ke bare mein, that we will learn. Then identify the parts of computer, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ओके, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, शट डाउन या बंद कैसे किया जाता है, बंद करने के लिए जो हमारा यहाँ टर्म होता है दैट इज़ शट डाउन, तो दैट विल लर्न. देन कंप्यूटर रूम एटिकेट्स, यहाँ पर कंप्यूटर के रूम में जब हम जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें साइलेंस रहना है, ओके, देन शूज़ हम बाहर खोल कर जाते हैं, सो ये सारे एटिकेट्स हम लर्न करेंगे. देन नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द कीज़ ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो जो कीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका अलग अलग क्या फंक्शनैलिटी होता है, वो पढ़ेंगे. डूज एंड डू नॉट ऑफ वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम सीखेंगे. एंड लास्टली स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या स्ट्रेंथ है, मतलब वो क्या क्या हमारे लिए कर सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड कंप्यूटर हमारे बारे उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, दैट मींस कि हम क्या क्या कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यू, इट यूजेस सम प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस दीज इनपुट्स, फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट. It can also store your data. You can retrieve this data later on. So computer is basically an electronic device. That means it works on electricity. वो बिजली से चलता है, बिजली से काम करता है, या laptop जो होता है वो हमारा, उसे हम charge करते हैं electricity से, तो ये भी electricity से ही चल रहा है. It takes inputs from you. अब बेटा यहाँ एक term आ रहा है आपके लिए, थोड़ा न्यू होगा, input. Input means क्या होता है, जो हम instruction देते हैं ना computer को कि हमें ये करना है, ये काम करना है, तो उसके लिए जो हम लिखते हैं उसमें, ओके, कीबोर्ड के थ्रू जो हम उसमें टाइप करते हैं, तो दैट इज़ इनपुट, वो हमारा इनपुट है. इट यूजेस सम प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस दिस इनपुट्स, और इन इनपुट्स को सॉल्व करने के लिए वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज लिखा रहता है, एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर हमें उसका रिजल्ट दिखाता है या आउटपुट दिखाता है. फाइनली डिलीवर्स आउटपुट, और ये जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट वो हमें शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट. इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा. प्लस आप जैसे अभी कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हो, उसके बाद आपने मान लो आपको कोई ज़रूरी काम हो गया, आपने वो काम बंद कर दिया, आप सोच रहे हो कि बाद में वो काम करोगे, तो आपके पास ये भी एक इसमें है फैसिलिटी कि आप इनको शेयर सेव करके रख सकते हो और फिर दोबारा ये डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हो. सो इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा, ये आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है एंड बाद में वो आपको दिखा भी देता है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सप्लेनेशन. कंप्यूटर फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. कंप्यूटर जो है वो क्या फॉलो करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब आप इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेस होगा, काम होगा उसके अंदर में, और फिर वो आपको रिजल्ट दिखाएगा. और ये साइकिल जो है वो कंप्यूटर में चलता रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऐसा साइकिल चलता रहता है. सो बेसिकली कंप्यूटर को अगर हम इजी वर्ड में बोले कि कंप्यूटर क्या करता है, सो कंप्यूटर इट टेक्स इनपुट, इट प्रोसेसेस इट एंड देन इट गिव्स द आउटपुट. ओके, यहाँ देखो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है. अच्छा, कंप्यूटर जो होता है बेटा उसका क्या होता है, सिर्फ एक स्क्रीन जो होता है दैट इज़ नॉट कंप्यूटर. अगर कीबोर्ड है आपके पास तो वो कंप्यूटर नहीं है, माउस जो है वो कंप्यूटर नहीं है, सीपीयू है अगर आपके पास तो वो कंप्यूटर नहीं है, बट जो पूरा सिस्टम होता है उसका और ये सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनको जब मिलाया जाता है तब वो काम करता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटी. अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं. कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच आर कनेक्टेड विच ईच अदर. आप जैसे देखोगे कि जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप में तो सारा चीज़ इनबिल्ट ही होता है, उसके अंदर ही होता है, बट डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क के ऊपर में जो कंप्यूटर रखा रहता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप. ओके, सो डेस्कटॉप जो होता है उसमें सारे जो उसके पार्ट्स होते हैं आप देखते होंगे वायर से कनेक्टेड रहते हैं. ओके, उसका कीबोर्ड जो होगा वो कनेक्टेड होगा,
उसका जो स्पीकर्स होते हैं कई कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप में, तो वो उनके उनसे कनेक्टेड रहते हैं, सीपीयू से बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो वो सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इंटर कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, बिना जुड़े वो अपना काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिना कंप्यूटर में फंक्शन नहीं कर सकता, सारे पार्ट्स उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन एवर वी यूज़ अ कंप्यूटर। ओके, नाउ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का स्क्रीन है ना, दिस इज कॉल्ड अ मॉनिटर। ओके, जो आपको डिस्प्ले करता है कोई भी चीज़, जो आप इनपुट देते हो उसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है वो आपका यहाँ पे शो करता है, और जो आप इनपुट करते हो वो भी इसमें डिस्प्ले होता है। मॉनिटर LCD, दिस मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड LCD, द फुल फॉर्म ऑफ LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट डिस्प्लेज वट एवर यू टाइप और ड्रॉ ऑन कंप्यूटर, और ये क्या डिस्प्ले करता है, जो भी आप टाइप करते हो लिखते हो और जो डिस्प्ले कर ड्रॉ करते हो, जो भी ड्राइंग बनाते हो, जो भी आप काम करते हो, वो आपका किस में शो करता है, इस मॉनिटर पे, LCD पे, या हम इसे स्क्रीन भी कहते हैं। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंप्यूनेंट्स। अब बेटा ये जो CPU होता है ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे आपका ब्रेन है ना, आपके ब्रेन के बिना आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, ब्रेन के थ्रू ही सारे पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के फंक्शन करते हैं, वही ब्रेन ही संभालता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। उसी तरह से CPU जो है उसको आप एक हिसाब से ब्रेन कह सकते हो कंप्यूटर का, बिना CPU के आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता है। ओके, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, देन प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, इन सब की फंक्शनिंग जो है, काम करने का जो तरीका है, वो कौन कंट्रोल करता है, CPU करता है। लास्टली कीबोर्ड। अच्छा, अब कीबोर्ड के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप किसी अननोन पर्सन को बैठाओगे ना कंप्यूटर के पास, ये कंप्यूटर दिखाओगे, तो सबसे पहली चीज़ जो उसे फैमिलियर लगेगी, पहचान वाली लगेगी, वो क्या होती है, कीबोर्ड। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा, बिकॉज कीबोर्ड में ही सिर्फ वो सारी चीज़ें होती है जो बंदा, जो भी इंसान बैठा है उसने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। अब मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, कीबोर्ड में क्या लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देन नंबर्स होते हैं, देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ होती हैं जो कि अननोन हो सकती हैं, बट मोस्टली इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो नोन होती है। और ये किस लिए काम आता है, ये इनपुट करने के या टाइप करने के कि आपको क्या चाहिए आपको कंप्यूटर से, वो हम टाइप किससे करते हैं, लिखते किससे हैं, वी यूज़ अ कीबोर्ड। It is a set of typewriter like which types the text through keys. अच्छा, इसमें जो buttons होते हैं ना बेटा, वो buttons को हम buttons नहीं कहते हैं, keys कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं keys के help से हम type करते हैं क्या हमें चाहिए होता है। So this much for today. एक easy way मैं बताऊँगी आपको computer को समझने के लिए। जैसे होता है ना बेटा, आपका वॉशिंग मशीन है, ओके, वॉशिंग मशीन में जब आप गंदे कपड़े डालते हो, स्टार्टिंग में जब गंदे कपड़े डालते हो, देन उसमें पानी डालते हो, देन उसमें ये वॉशिंग पाउडर डालते हो, तो ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। और उसके बाद में हम जब मशीन चालू करते हैं, फिर वो घूमता है, हमारे कपड़े साफ़ करता है, तो वो हो गया प्रोसेस। और जो बाद में हमें धुले हुए साफ़ कपड़े मिलते हैं ना, दैट इज़ आउटपुट। तो अगर आप कंप्यूटर का इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को समझना है, तो आप एक वॉशिंग मशीन के थ्रू समझ सकते हो कि जो हमने गंदे कपड़े डाले, दैट इज़ इनपुट, वो जो घूमा उसके अंदर में, दैट इज़ प्रोसेस, और फिर लास्ट में जो हमें साफ़ कपड़े मिले, दैट इज़ आउटपुट। ओके, सो इसी तरह से आप भी कुछ अपने एनालॉजी निकाल सकते हो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।